40 साल पुराने अल्बर्ट हॉल पर प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल सुबह 11:15 पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का राज तिलक हो जाएगा। अल्बर्ट हॉल पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ की तैयारियां अब अंतिम दौर में चल रही हैं। SPG ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से मोर्चा भी संभाल लिया है। इसी दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और राजेंद्र राठौड़, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, तमाम प्रशासनिक अफसरों के साथ अल्बर्ट हॉल का दौरा करते हुए दिखाई दिए। वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए, जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे वहां निरीक्षण हो रहा है कि कैसे राज तिलक की तैयारियां पूरी हो और सब कुछ परफेक्ट हो। मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और कई प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने आमंत्रण भेजा है। उन सबका विशेष आशीर्वाद उस कार्यक्रम में, भव्य समारोह में हम सब लोगों को मिलेगा और राजस्थान के कोने कोने से लोग इस भव्य समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे। जैसे इनके नाम की घोषणा हुई, सर्वत्र राजस्थान के अंदर खुशहाली छा गई। बड़ी संख्या में राजस्थान भर के कार्यकर्ता और समर्थक जयपुर की धरती पर आए। सबकी भावनाओं को देखते हुए निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल से लेकर नीचे तक के और जो जिन्होंने आशीर्वाद दिया है भाजपा को, ऐसे करके जनता बड़ा एक आयोजन जयपुर की धरती पर 15 तारीख को इसी स्थान पर। जयपुर के 140 साल पुराने अल्बर्ट हॉल पर भजन लाल शर्मा का राजतिलक होगा। इस राजतिलक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और उनके आने से पहले 15 दिसंबर को ये राजतिलक किया जाएगा। उनके पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और उसके पहले यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। अल्बर्ट हॉल पर जिस तरीके से SPG ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और उनके साथ साथ जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी यहां पर मोर्चे पर तैनात है। तमाम जो सामान्य प्रशासन विभाग और तमाम जो सुरक्षा से संबंधित जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। तैयारियाँ यहाँ पर शुरू हो गई है क्योंकि एक यादगार जिस तरीके से बनाने की पूरी तरीके से तैयारी है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को देखने का भी क्रेज़ होगा और यहाँ पर यहाँ शपथ ली जाएगी और वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ यहाँ जो लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, जयपुर के तमाम जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं और इसके साथ साथ जो तमाम जो BJP के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर एक यादगार पल बनाने के लिए यहाँ पर राजतिलक किया जाएगा। और 5 साल पहले भी यहीं से कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां से शपथ ली गई। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ जो BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और उनके साथ साथ जो तमाम जो BJP के दिग्गज है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर एक यादगार पल बनाने के लिए BJP और सरकार पूरी तरीके से लगातार कोशिश कर रही है और इसकी तैयारियां लगभग अब शुरू हो चुकी है। यानी कि अब इंतजार है राजतिलक का 15 दिसंबर सुबह 11:15 का, यहां पर ही भजन लाल शर्मा का राजतिलक किया जाएगा। उसके लिए तमाम तैयारियों को यहां पर पूरी तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। और मेरे सहयोगी भरत राज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत से सीधे अभी का अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है अल्बर्ट हॉल में। भरत राज, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने अस्थायी आवास जो बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में बनाया गया है वहां पर मौजूद है और वहां पर अब सुबह सुबह का समय है। लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और इसके साथ ही लोगों का भी यहाँ पर पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह से लोगों का इंतजार रहता है कि वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि कल भी यहाँ पर बहुत कम लोगों को एंट्री दी गई थी जिनके लिए बुलाव आता था, अंदर से उनको ही अंदर बुलाया जाता था, लेकिन फिर भी लोग उत्सुक हैं नए CM के मिलने के लिए। लगातार उनसे मिल रहे हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं जगह जगह पहुंचकर और अभी भी आज भी वही सिलसिला यहाँ पर रहने वाला है। सुबह का समय है, लोग पहुंचना भी शुरू हो गए, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। तो आप देखेंगे कल जब ये शपथ ग्रहण
समारोह होगा तो ऐतिहासिक होगा। अल्बर्ट हॉल पर सारी तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा क्योंकि कल सुबह ही 11 बजे वहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया। तो नए जो सीएम है उनके साथ ही दो मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी राज्यपाल कलराज मिश्र है वो वहां पर शपथ दिलाएंगे और इस ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित अमित शाह और तमाम केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे तो तमाम इसके साथ ही लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। जी भरत, इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई बड़ी गणमान्य हस्तियां यहाँ पर आने वाली है, तो क्या जयपुर के ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बदलाव होगा? देखिए निश्चित रूप से ही जब इतने बड़े लोग वहां पर पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा तो उस रूट को पहले से ही बदल दिया गया है, वहां पर उस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि अल्बर्ट हॉल से सीधा जलन मार्ग होते जो रूट आता था उसको डाइवर्ट फिलहाल कर दिया गया है क्योंकि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और पुलिस ने वहां पर अपने जवान तैनात कर दिए, वहां पर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो इसके लिए अलग से रूट तैयार किया गया ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके और लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि ये रूट शपथ ग्रहण समारोह तक ये बंद रहेगा और उसके बाद में देखा जाए वहां पर तो अन्य रूट से उनको निकाला जाएगा ताकि वहां पर किसी प्रकार का जाम भी नहीं बने, भीड़ भाड़ नहीं हो, लोग ऐतिहासिक उस शपथ ग्रहण समारोह को जब होगा वहां पर राजतिलक होगा नए सीएम का तो उसको वहां पर देख सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।